नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर और मैं हूं ऋचा अनुरोध। और आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को ज्यादातर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में सब फिल्में रिलीज होती हैं। आज का दिन सलमान खान के लिए बहुत बड़ी रिलीज लेकर आया है। कोई फिल्म की रिलीज नहीं, सलमान खुद ही रिलीज हो गए जेल जाने के डर से। आज उन्हें इतनी बड़ी राहत मिली है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सेशंस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरने के बाद सलमान खान आजाद हो गए। आज सलमान के लिए बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर शुक्रवार है, शायद उनकी फिल्म की रिलीज से भी बड़ा शुक्रवार। और जब जमानत लेकर सलमान खान घर पहुंचे तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी की। वहां पर पूरे परिवार के साथ वो बाहर आए और उनके माता पिता भाई बहन भाई अरबाज तस्वीरों में दिख रहे हैं। और साथ ही तस्वीरों में घर के बाहर जो फैंस का हुजूम है वो भी आप देख सकते हैं। सलमान थके हुए और थोड़ा भावुक नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया और साथ ही कुछ प्रशंसकों को पेड़ पर चढ़ने से रोका। उनके हाथ के इशारे समझ में आ रहा है कि अगर तुम पेड़ पर चढ़े तो मैं घर के अंदर चला जाऊंगा। सलमान का सिग्नेचर स्टाइल, जिस तरह से वो बात करते हैं उसी तरह से उन्होंने ये इशारा किया। फैंस का शुक्रिया अदा करने पूरा परिवार घर के बाहर निकला। और मेरी सहयोगी पायल भुयान लगातार सलमान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर मौजूद हैं। पायल, काफ़ी देर हो गई है, अब सलमान खान पहले घर पहुंचे, उसके बाद बालकनी में आकर फैंस का अभिवादन किया, क्या भीड़ कुछ छटी है? जिस तरह से जुनून भीड़ का दिख रहा था घर के बाहर, क्या कुछ कम हुई है? फैंस को भी जिस पल सलमान अपनी बालकनी में आए और उन्होंने अपने प्रशंसकों को वेव करा वहां से, शायद उसी का इंतजार था, लेकिन भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। सलमान का प्यार ही है शायद और सलमान को इतना पसंद करते हैं यहाँ पे लोग कि दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और अब भी जो सड़क है जाम पैक है और सलमान के जो फैंस है सड़क की दोनों ओर है। अब भी उम्मीद कि सलमान शायद फिर से बालकनी में आए और सलमान 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 इस तरीके के शाउटिंग यहाँ पर हो रहे हैं और शायद उनको उम्मीद है कि सलमान दोबारा से अपनी बालकनी में आएंगे, वेव करेंगे। लेकिन यहाँ जो सलमान के फैंस हैं उनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उनको जरूर हो रही है। रोड पूरा जाम पैक यहाँ पर है और धीरे धीरे सेल पेस में ये जो ट्रैफिक है यहाँ से मूव कर रहा है, लेकिन सलमान को के जो फैंस हैं उनको हटाने की पूरी कोशिश यहाँ पुलिस कर रही है। सुबह से यहाँ पे पुलिस बल तैनात कर दी गई थी, स्टेट पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, वैन खड़ी कर दी गई थी, क्योंकि अंदाजा था कि सलमान के फैंस आज भारी तादाद में यहाँ पर जमा होंगे और उन्हीं को संभालना मुश्किल होगा। जी पायल, कुछ फैंस से आपकी बात हुई वहाँ पर, क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमारी फैंस से लगातार और कुछ कुछ फैंस से यहाँ पे रिचार्ज जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, घर नहीं जा रहे हैं। कई फैंस से जो छिंदवाड़ा से आए, कल हमारी एक फैंस से बात हुई थी जो खुद सलमान खान के लुक में आ गए थे और यहाँ पे आके उन्होंने प्रे किया। कुछ फैंस थे जो सिद्धि विनायक से चलकर यहाँ तक आए थे, कुछ बाशी से आए थे। आज सुबह एक छोटी बच्ची हमें मिली थी 15 साल की, वो स्पेशल चाइल्ड थी, उसने सलमान पे एक पोएम लिखी हुई थी, सलमान को सुनाना चाहती थी, एक बार सलमान से मिलना चाहती थी। कई लोग हैं जो दिल्ली से आए हैं और दूसरे इलाकों से आए हैं सिर्फ एक झलक सलमान की पाने के लिए और उम्मीद कर रहे थे कि सलमान रिहा हो जाएंगे और हुआ भी वही। सलमान को जेल नहीं जाना पड़ा, जुम्मे की जो आज रात है सलमान के लिए बहुत ही खुशी लेकर आई है और शायद इसी को वो बताते हुए अपने बालकनी में आए, लोगों का अभिवादन किया, फैंस का शुक्रिया अदा किया, हाथ जोड़कर उनको कहा भी कि अब आप यहाँ से जाइए, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि अगर उनके फैंस उस कदर वहाँ पर जमा रहेंगे तो कैसे यहाँ पर लोगों को परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल, और सलमान खान के घर के बहुत नजदीक में एक 5 सितारा होटल है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ लोग कैसे पहुंच पा रहे होंगे। जिस तरह की भीड़ यहाँ पर दिख रही है पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पायल, पिछले 2 दिन भी जब अंतरिम जमानत पर बाहर थे सलमान तो बहुत सारे सितारे मिलने आ रहे थे, आज भी लोगों को फैंस को लग रहा होगा कि भी हो सकता है बहुत सारे बॉलीवुड की हस्तियाँ यहाँ पहुंचे सलमान को बधाई देने के लिए।
रिचा, इस सुबह सुबह हमने अमृता राय को देखा यहाँ पर, साथ में हमने आज देवगन को देखा जो मिलने आए थे, और उम्मीद थी कि शायद और भी फैंस यहाँ पे आएंगे, लेकिन पिछले दो दिनों से जिस तरीके से हाई प्रोफाइल विजिटिंग सलमान खान के लिए यहाँ पर हो रही थी, उस कदर भी जैसे ही गैलेक्सी अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता था, फैंस को लगता था कि शायद कोई सेलिब्रिटी नजर आएगा या फिर खुद सलमान बाहर आएंगे, और पूरा का पूरा जो हुजूम है वो गैलेक्सी अपार्टमेंट के गेट के पास जाके खड़ा हो जाता था। उस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल आती थी क्योंकि मीडिया भी वहीं खड़ी होती थी, और उसके बाद चालू होती थी धक्का मुक्की। सलमान की जो बॉडीगार्ड थे वो खुद बाहर तैनात थे उस भीड़ को संभालने के लिए, साथ ही जो पुलिस बल थी वो भी वहां पर तैनात थी और भीड़ को संभालने के लिए, लेकिन शायद सितारों को देखने का जो जुनून है लोगों में वो कम नहीं है। और अब भी शायद उम्मीद है कि अब सलमान को राहत मिल गई है, अभी कुछ हाई प्रोफाइल विजिटर्स यहाँ पर सलमान को देखने तरफ से मिलने आ सकते हैं, इसीलिए अब भी यहाँ पर भीड़ जमा रचा। जी, यानी आज मुंबई वालों को जिनको सड़क पर जाना है उनको जाने से बचना चाहिए, क्योंकि सलमान खान के फैंस इतनी बड़ी संख्या में उधर बांद्रा गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हैं कि नॉर्मल ट्रैफिक का वहाँ से निकल पाना शायद बहुत मुश्किल होगा। पायल, बने रहिए आप मेरे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि हाईकोर्ट ने सलमान को सेशंस कोर्ट से मिली 5 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगाते हुए उनकी अंतरिम बेल को आगे बढ़ा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सेशंस कोर्ट से सलमान खान को मिली 5 साल की सजा पर फिलहाल अमल नहीं होगा और कोर्ट्स की अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो ये एक राहत की खबर है सलमान खान के लिए। और इधर बॉम्बे हाईकोर्ट से दबंग खान को जमानत मिली, उधर सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जश्न शुरू हो गया। हाईकोर्ट ने सलमान को न सिर्फ जमानत दी बल्कि 5 साल की सजा पर भी फिलहाल रोक लगा दी। सलमान के घर के बाहर सुबह से ही हजारों फैंस इकट्ठा थे। सलमान के हक में फैसले की खबर आते ही हर फैन झूम उठा और अपने ही खास अंदाज में हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। खुश है हम लोग क्योंकि सलमान खान जो है बहुत अच्छा इंसान है और उसका 5 साल जो सजा होता है, 5 साल बहुत ज्यादा सजा है। चेहरे पर राहत लिए सफेद कमीज में सलमान कार में सवार हुए और निकल गए सेशंस कोर्ट की ओर, जहां उन्हें 30,000 का बेल बॉन्ड भरने के बाद मिल गई बड़ी राहत। फाइनल हियरिंग होगी, सेशंस कोर्ट ने जो जजमेंट दिए है उसके लिए जो कारण दिए है वो सब कारण सही है या गलत है, इस बात पर बहस। सलमान को जमानत मिल गई है। सलमान की जो जमानत थी उनको आज फिर से जमानत दी। और आपको बता दें कि सेशंस कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने आज दोनों पक्षों के वकीलों से कई सवाल किए। आपको बताते हैं आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। जमानत पर बहस शुरू करते हुए सलमान के वकील ने हाईकोर्ट के जज से कहा, ये जानना सबसे अहम है कि गाड़ी में कितने लोग थे। जज ने ये कहा कि ये साफ नहीं है कि हादसे के वक्त गाड़ी में कितने लोग थे। फिर सलमान के वकील ने गाड़ी में मौजूद रविंद्र पाटिल के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, 2002 में पाटिल ने कहा था गाड़ी में 4 लोग थे, जबकि बाद में 2006 में पाटिल ने कहा कि गाड़ी में 3 लोग थे। इसके अलावा पाटिल ने कहा था कि ड्राइवर अल्ताफ गाड़ी चला रहा था। पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि सलमान कार चला रहे थे। कभी भी चश्मदीद कमाल खान का बयान नहीं लिया गया, जबकि रविंद्र पाटिल को वारंट पर लाकर बयान दिलवाया गया। ये कल्पना के आधार पर कहा गया कि सलमान 90 से 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे, जबकि पाटिल का बयान कहता है कि मैरियट से हादसे की जगह पहुंचने में आधे घंटे लगे। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। इतना ही नहीं, पाटिल गाड़ी के रूट के बारे में साफ साफ नहीं बता पाए। वकील ने कहा कि इतनी कमियां होने के बावजूद पाटिल के बयान को आधार बनाया गया। इस पर जज ने पूछा, रविंद्र पाटिल के बयान के साथ क्या सबूत दिए गए। परिस्थिति जन्य सबूत ये बताते हैं कि सलमान नशे में थे। कमाल खान से पूछताछ क्यों नहीं हुई। कमाल खान की गवाही नहीं हुई क्योंकि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। जांचकर्ता ने कभी सलमान के ड्राइवर से पूछताछ नहीं की। सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह से अक्टूबर में पूछताछ हुई। ड्राइवर अशोक सिंह के बयान को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। एक गवाह ने 2 लोगों को कार से बाहर आते देखा। गवाह ने कहा था कि सलमान और रविंद्र पाटिल कार से बाहर आए। गवाह ने कैसे जाना कि कार कौन चला रहा था। कोर्ट ने सलमान खान को पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट जमा करवा चुके हैं। जमानत मिलने पर सलमान के फरार होने की उम्मीद नहीं। सलमान सरेंडर कर जमानत ले सकते हैं। फैसले के दिन सलमान ने सरेंडर किया था। जब अपील पर सुनवाई हो रही है तो अपीलकर्ता का हक क्यों मारा जाए।
हम किसी को जेल में देखकर आनंद नहीं ले सकते हैं जबकि उसका हक मारा गया हो। मेरी राय है कि सजा पर फिलहाल रोक लगानी चाहिए, अपील पर तेजी से सुनवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं देश दिनभर और आज दिन की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर, सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। सेशंस कोर्ट से जो 5 साल की सज़ा उनके लिए मुकर्रर की गई थी उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, उनकी अंतरिम बेल बढ़ा दी गई है। सलमान के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोस्त और फैंस के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है आज शुक्रवार का दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सेशंस कोर्ट से जब बाहर निकले थे 30,000 का बेल बॉन्ड साइन किया है सलमान खान ने। और दूसरी तस्वीर उनके घर की बालकनी, जब वो घर में जाने के बाद बाहर निकलकर बालकनी में उन्होंने फैंस का अभिवादन किया। सलमान के घर के बाहर लगातार मेरे सहयोगी पायल भुयान बनी हुई है। पायल, क्या चल रहा है इस वक्त, लोग हटने का नाम ले रहे हैं या नहीं? अब पिछले घंटे से चल रहा है, फैंस अब भी मौजूद है यहाँ पर सलमान की एक झलक पाने के लिए, और अभी जाम उसी कदर है जो पिछले एक घंटे से है। यहाँ पुलिस अब भी वही कर रही है जो पिछले एक घंटे से कर रही है, मशक्कत इनको हटाने की। लेकिन शायद फैंस अब भी चाहते हैं कि सलमान एक बार फिर अपनी बैल्कनी में आए, उनको वेव करे, लेकिन शायद सलमान अब ना आए। लेकिन फैंस का जो प्यार है वो तो कम होने के लिए नहीं है, और अब भी यहाँ पर स्नेल पे से ट्रैफिक मूव कर रहा है, फैंस दोनों और मौजूद है, पुलिस अब भी मशक्कत कर रही है इनको हटाने के लिए, और कई बार लाठी भी चलानी पड़ती है। जी पायल, तस्वीरें हम आपको अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, सलमान जब अपने घर की बालकनी में बाहर आए और पूरा परिवार साथ था उनके, उनकी माँ पिता भाई अरबाज और बहन अर्पिता सब आए थे एक तरह से शुक्रिया अदा करने अपने फैंस का, अपने चाहने वालों का कि भाई आप सब ने दुआ करी और इतनी बड़ी राहत इस परिवार को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया पायल, आप वहाँ बनी रहें, कोई भी ताज़ा अपडेट होगा हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए तो सलमान खान से अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी खबर की। बीते एक साल में भारत में माहौल काफ़ी अच्छा हुआ है और भारत अमेरिका रिश्तों में एक नई गर्मी आई है, ये कहना है भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा का। आईबीएन नेटवर्क के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिचर्ड वर्मा ने कहा कि वो धार्मिक विभिन्नता में विश्वास रखते हैं और भारत और अमेरिका दोनों ही देशों की ये खूबी है। One year of the Modi government, I mean later this month they finish a year in power. When you speak to American businesses, American companies, what's changed in the last year? Has anything gotten better? Look, I do think there's a renewed sense of optimism and excitement about the U.S.-India relationship. I feel it not only with U.S. businesses, but I feel it as I travel around India as well. I think we're in a very, very strong position on the bilateral front, and we're benefited by the fact that there were 2 summits in a 5-month period, which is a very unusual thing. And so last September, the Prime Minister had a bit of a groundbreaking visit to Washington, was able to unstick some issues that had frankly stalled the relationship. And then the President came in January. So we've had a handshake, we've had an agreement between the two heads of state to chart a very aggressive path forward over the coming year. And whether it's in defense or clean energy or economics and trade. चलिए इसी के साथ आज देश दिन भर में मेरे साथ